गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल योगेंद्र मौर्य में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब किसे हम आप लोगों को वीडियो नहीं दे सके, शॉर्ट वीडियो डाला करते थे, तो आज आप लोगों को हम दिखाएंगे। ये स्टार्टर दो बटन का है, इसमें हरी वाली बटन खराब हो गई है, तो इसको किस प्रकार से डालें। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। बटन का मतलब ये होता है, एक हरी बटन होती है और एक पीली और एक लाल, तीन बटन होती हैं, लेकिन दो बटन में सिर्फ दो ही बटन लगती हैं और तीन बटन वाले में तीन लगती हैं। तो कहने का मतलब एक हरी और एक लाल, ये कॉमन होती हैं, हर स्टार्टर पर लगती हैं। पीली बटन जो स्टार और डेल्टा होता है उसी पर लगती हैं। तो आप लोगों को हम दिखा दें, जैसे कि मान लिया ये हरी वाली बटन है, ये खराब हो गई है, तो इसको आराम से खोलिए और इसमें दो ही पॉइंट लगे होते हैं पीछे, ये देखिए दो ही पॉइंट होते हैं, इनको आप लगा सकते हैं। तो इसका मतलब आपको भी बता दें, हरी बटन का मतलब क्या होता है। जब हम इसको पुश करते हैं तो इसके जो वायर होते हैं आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी जगह पर आप ये लाल लगाते हैं तो वर्क नहीं करेगी, जैसे कि ये हमारी लाल वाली रही। इसका मतलब ये होता है कि इसको हम जब पुश करते हैं यानी दबाते हैं, तो इसके जो पीछे के वायर हैं, ये जो यहां से पॉइंट लगे होते हैं, इनका कनेक्शन छूट जाता है, तो हमारी मोटर बंद हो जाती है। और इसकी जगह पर आप पीली बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारी पीली बटन है। पीली बटन और लाल बटन, ये जो दो बटन होती हैं पीली और लाल, एक काम करती हैं, और हरी बटन जो होती है वो अलग काम करती है। तो ज्यादा देर न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जैसे कि रहा ये हमारा स्टार्टर, ये स्टार्टर रहा, इसमें देखिए यहाँ पर ये बटन लगी होती है, ये रेड वाली है और ये ग्रीन वाली है। ग्रीन वाली में हमारे पॉइंट टूट गए हैं, तो इसको पहले हम खोल लेते हैं। इस प्रकार से दोनों पेज को खोल लीजिए, दो ये वायर होते हैं, एक कॉइल का और एक मेन, इसको हटा दीजिए। उसके बाद में ये जो एक बोल्ट लगा होता है इसको हम खोल लेते हैं। बटन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, यहाँ पर हरी वाली ही बटन लगाना है जिसे हम ग्रीन के नाम से जानते हैं। इसको इस प्रकार से खोल लेते हैं। खोलने के बाद में अब हम ये दूसरी बटन को लगा लेते हैं, इस प्रकार से आपको कस लेना है। हमने कस लिया, थोड़ा और टाइट कर लें और इसके बाद में अब कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा कोयल से आया, ये लाल वाली बटन है, ये हरी वाली है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन आता है। ये जो जम्फर लगा हुआ है ये वाला, हम इस वाले पॉइंट पर लगा करके टाइट कर देंगे। और ये जो रिले का रहा, इसको दूसरे पॉइंट पर, इसमें दो वायर होते हैं, एक लाल भी लगा है, ये आपकी एलईडी को दर्शाता है, एलईडी को जलाने का काम करता है, बाकी अन्य कोई इसका मकसद नहीं है। सिर्फ ये हरी वाली, ये जो आपका ब्लैक वाला है ये आपकी कॉइल का है, और लाल वाला इंडिकेट का है। तो इसको हम इस प्रकार से कस लेते हैं। और दोस्तों कसने के साथ साथ इतना ध्यान दीजिएगा, स्पार्किंग ना करे। स्पार्किंग करेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर नहीं ढूंढे पाएंगे ये कहाँ से फॉल्ट हमारे में आ रहा है। स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। पेंच कस के जरिए इसको इतना टाइट कर लीजिए कि स्पार्किंग ना रह जाए। ज़्यादा बूत भी नहीं लगाना है, क्योंकि जिस प्रकार से पेंच है उसी प्रकार से बूत लगाना है। इसको हमने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद में ये हमारे है कटआउट। दोस्तों कटआउट का आप विशेष ध्यान दीजिए, ये देखिए कटआउट सब जले हुए हैं, डायरेक्ट लगा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम कटआउट लगाते हैं तो कोई
कारणवश लगाते हैं। यदि हमारी मोटर में कोई फॉल्ट आ रहा है, स्टार्टर में कोई फॉल्ट आ रहा है, तो हमारा फेस एक उड़ जाएगा, दो उड़ जाएंगे, हमारी मोटर बच जाएगी, सेफ रहेगी। यदि मान लिया डायरेक्ट लगा रहे हैं तो विस्फोट के अलावा कुछ भी नहीं होना है। यदि हमारे स्टार्टर की बेस प्लेट शॉर्ट हो गई तो भ्रष्ट हो जाएगा, यदि मोटर में कुछ हो गया तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इनको दोस्तों आप नए जरूर लगा लीजिए, यदि ख़राब हो गए हैं तो डायरेक्ट ना चलाइए। यदि मान लिया इनको नहीं लगाना है तो आप MCB का प्रयोग कर सकते हैं, उसे सबसे अच्छा हमें भैया यही कटआउट लगता है, कटआउट का ही प्रयोग करें। MCB लगाना है तो आप लगा सकते हैं। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार से हम अपने स्टार्टर पर बटन लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।